हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रेवी चिकन कैसे बनाते हैं घर में रेस्टोरेंट जैसा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, तो मैंने ये चिकन ले लिया हुआ है 500 ग्राम मैंने ये चिकन लिया हुआ है, और प्याज लिया हुआ है मैंने 300 ग्राम, मैंने छील के रख लिया है प्याज, 300 ग्राम प्याज है, और ये 15 ग्राम लगभग अदरक है, और ये मैंने दो मिर्च ली हुई है, और 25 ग्राम लहसुन लिया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं 25 ग्राम लहसुन है, और ये मीडियम साइज का मैंने दो टमाटर ले लिया हुआ है। और फिर इसे कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्याज कट करेंगे, तो प्याज को काटना एकदम पतला पतला है, क्योंकि चिकन के लिए सबसे मेन होता है प्याज, तो प्याज इस तरह हमें पतला पतला काटना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये पतला पतला प्याज काट लिया है, अदरक और लहसुन को भी मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है, मिर्ची भी मैंने काट ली, और ये टमाटर जो है ये भी मैंने काट लिया। अब इसे चिकन में कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब कब क्या डालना है, तो आइए देखते हैं, सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई भी गर्म हो गई है अच्छे से, तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल कितना लेना है, तो हमें 200 ग्राम लगभग, आधा किलो चिकन में हमें 200 ग्राम तेल लेना है, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लगभग तेल लिया है। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है मेरा, तो हम सबसे पहले ये तेजपात डालेंगे, मैंने यहाँ पे छोटा छोटा दो लिया हुआ है, हम तेजपात डाल देंगे तेल में। इसके बाद हम थोड़ा सा एक चुटकी जीरा लिया हुआ है मैंने, ये जीरा ले डाल देंगे हम तेल में। देखिए जीरा मेरा चटक चुका है, जीरा चटकने के बाद आप एक चुटकी हींग डालें, हींग से चिकन में बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक चुटकी मैंने हींग लिया हुआ, हींग से चिकन में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने एक चुटकी यहाँ पे डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज, प्याज मिर्ची को साथ में डाल देंगे, इससे मिर्ची उड़ेगी नहीं ज्यादा, तो मैंने प्याज को भी इसमें डाल दिया है, और अभी इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। अब प्याज को हम अच्छे से लाल होने देंगे, प्याज को अच्छे से लाल होने देंगे, गोल्डन होने देंगे, एकदम कम फ्लेम में, फ्लेम को आप ज्यादा नहीं करना है, तो इसे हम लाल होने देते हैं। कम से कम 5-6 मिनट तो लगी जाएंगे इसमें, 5-6 मिनट तक इसे अच्छे भून लेते हैं, ठीक है। इसको बीच बीच में चलाते रहें, चलाने से ज्यादा स्वाद आएगा। तो देखिये मैं इस तरह चला रही हूँ, इसे ऐसे ही चलाते रहना हो बार बार। देखिए ये मेरा प्याज अब गोल्डन हो चुका है, और इसे मैंने एकदम कम फ्लेम में, मतलब मीडियम फ्लेम में इसे मैंने गोल्डन किया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ये जो कि मैंने 500 ग्राम चिकन लिया हुआ था, मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और मैंने इसमें हल्दी डाल दूंगी, और वो आधी चम्मच हल्दी डाल दी मैंने इसमें, और मैं एक चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसमें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ स्वाद अनुसार ही नमक डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे, आपको फ्लेम कभी भी तेज नहीं करना है, हमेशा कम फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में ही आपको सारा काम करना है, फ्लेम कभी भी तेज नहीं करना है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, मैंने इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं, ढकने के बाद इसे 5 मिनट तक धीरे धीरे, मतलब ढकने के बाद की ढक्कन हटाने के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी, 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसमें और भी सामान डालना है हमें, लो 5 मिनट तक पहले इसे फ्राई होने देते हैं। 5-7 मिनट लगभग हो चुका है, तो मैंने इसे ढक्कन हटा दिया है, तो अब ये ऐसा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने ये कद्दूकस करके रखा हुआ था, लहसुन और अदरक का हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, लेकिन याद रखें आपको फ्लेम कभी भी तेज नहीं करना, बिल्कुल भी फ्लेम एकदम मीडियम रहना चाहिए। आप इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे अब अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया मैंने, मिक्स कर
लगभग 10-12 मिनट तक इसे फ्राई करना है और इसे ढकेंगे बिल्कुल नहीं, इसी तरह से 10-12 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए अब ये मैंने 10-12 मिनट लगभग फ्राई कर दिया और देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें और भी सामान डालेंगे। तो ये मैंने जो कि टमाटर काट के रखा हुआ था, ये टमाटर हम डाल देते हैं इसमें और इसे पहले मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया टमाटर को चिकन में मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने एक बड़ी इलायची का आधा से आधा इसे कूट लिया है, तो हम इसमें डाल देंगे। इसे बहुत अच्छा महक आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, इसे डाल देंगे। और इसमें मैंने ये मीट मसाला लिया हुआ है लगभग 1 चम्मच से थोड़ा तक का, तो हम ये डाल देंगे। और ये मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच जीरा मरीच का पाउडर, ये हम डाल देंगे इसमें। और ये मैंने लिया हुआ है मिर्ची पाउडर, तो आधा चम्मच लिया हुआ है लगभग में, इसे भी हम डाल देंगे और इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा एकदम हल्का सा पानी डालेंगे, आधा कप लगभग इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने से ये होता है कि मसाला जलता नहीं है जल्दी और अच्छे से फ्राई होता है। और इसे अब हम फिर से 10-12 मिनट फ्राई होने देंगे और ढकना नहीं है बिल्कुल भी, इसे इसी तरह फ्राई करना है। और जितना चिकन को चलाओगे उतना अच्छा इसमें स्वाद आएगा। तो इसे 10-12 मिनट हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। देखिए ये अब अच्छे से लाल हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाल हुआ है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में एक गिलास से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब हम इसे 2 मिनट तक लगभग इसी तरह चलाएंगे तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से बनेगी। तो देख सकते हैं आप, वैसे ग्रेवी तो बहुत अच्छी है, वैसे थोड़ी सी और इसे थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। 2 मिनट तक इसी तरह इसे रहने दें। देखिए अब ये हमारा ग्रेवी वाला चिकन हो चुका है, देखिए कितना अच्छा है, ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। गैस को हम ऑफ कर देते हैं, पहले मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब हम इसे सर्व करेंगे। देख सकते हैं आप चिकन कितना अच्छा बना है।